नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर प्रथम परख के नंबर ऑनलाइन करने हेतु मॉड्यूल लाइव किया जा चुका है। शाला दर्पण पर प्रथम परख के अंक ऑनलाइन करने की प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा इसी प्रकार का कोई इंपोर्टेंट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो का लाभ भी आप सबसे पहले ले पाएंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण पर प्रथम परख के मार्क ऑनलाइन करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के प्रथम परख के अंक ऑनलाइन करने के लिए आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी परिणाम नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य सब टैब और यहाँ ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ आपको एक टैब उपलब्ध करवाई गई है परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां टैब पर क्लिक करेंगे, इस टैब में जितने भी सब टैब होंगे आपके सामने यहाँ ओपन होकर आ जाएंगे। तो आपको विद्यार्थियों के प्रथम परख के अंक ऑनलाइन करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, आपको यहाँ एक टैब उपलब्ध करवाई गई है रिजल्ट रिसेट डेटा 2024-25 नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ एग्जाम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एग्जाम असाइनमेंट फर्स्ट टर्म एग्जाम नेम से ऑप्शन ओपन होकर आएगा, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। अब वन बाय वन आपके विद्यालय में जितनी भी क्लासेस है उनके विद्यार्थियों के रिजल्ट के डेटा आपको रिसेट करना अनिवार्य है, क्योंकि आपको हो सकता है कि किसी कक्षा में विद्यार्थी कम या ज्यादा शो हो, तो उसका समाधान आपको यहीं से हो जाएगा। तो आपको प्रथम परख के अंक ऑनलाइन करने से पहले विद्यार्थियों का रिजल्ट रिसेट डेटा अवश्य करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए फिर से कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप क्लास का चयन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सेक्शन चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और जिस भी क्लास के आप अंक ऑनलाइन करना चाहते हैं और उसके डेटा को आप रिसेट करना चाहते हैं, वो क्लास का सेक्शन आप यहां से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां सेशन 2024-25 ही रखना है। देन आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा शो का, तो आप शो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे और पेज को स्क्रॉल अप करेंगे, आपको यहां विद्यार्थी की एनआईसी आईडी भी डिस्प्ले की जाएगी, विद्यार्थी के एसआर नंबर आपको यहां पर डिस्प्ले किए जाएंगे, विद्यार्थी का नेम आपको यहां पर डिस्प्ले किया जाएगा। और साथियों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको विद्यार्थी के नेम के सम्मुख ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी विद्यार्थी का है वो डिस्प्ले होना चाहिए। यदि आपको यहाँ पर विद्यार्थी के नेम के सम्मुख ऑप्शनल सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा, वहां मैंने आपकी सहायता है तो एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। तो उस वीडियो की सहायता लेकर आप आसानी से विद्यार्थियों के जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनकी मैपिंग शाला दर्पण पर कर सकते हैं। जब आप विद्यार्थियों के ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैपिंग शाला दर्पण पर कर लेंगे, तो आपको यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी शो होने लगेगा। अब आपको यहाँ आना है नीचे की ओर, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डेटा नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब शाला दर्पण आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले करेगी, आर यू श्योर यू वांट टू रिसेट रिजल्ट डेटा, तो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, रिजल्ट डेटा रिसेट सक्सेसफुली। अब आपको जो यहाँ क्रॉस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको वापस पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जितनी भी क्लासेस आपके विद्यालय में चलती है उन क्लासेस के विद्यार्थियों के डेटा को आपको रिसेट कर लेना है। उसके बाद आपको वापस परीक्षा परिणाम टैब में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर सब टैब मिल जाएगी परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सबसे आरंभ में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिजल्ट एंट्री 2024-25, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ सेशन डिस्प्ले किया जाएगा, तो सेशन आपको 2024-25 ही रखना है।
जिस भी क्लास के प्रथम परक के अंक आप ऑनलाइन करना चाहते हैं उस क्लास का चयन आप यहां से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेक्शन चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा और यहां से उचित सेक्शन चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां पैटर्न या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। यदि आप एक साथ सभी सब्जेक्ट के अंक ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको यहां आल का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया गया है, आप आल का ऑप्शन भी यहां से चुन सकते हैं। और यदि आप वन बाय वन सब्जेक्ट के अंक ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप यहां से सब्जेक्ट का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एग्जाम असाइनमेंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा फर्स्ट टर्म एग्जाम, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां शो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप शो पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो जो भी कक्षा आप चयन करेंगे उसके विद्यार्थियों के एसआर नंबर आपको यहां पर डिस्प्ले किए जाएंगे, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी है उनके नेम भी आपको यहां पर डिस्प्ले किए जाएंगे। अब आपको विद्यार्थियों के प्रथम परक के अंक ऑनलाइन करना है तो उसके लिए आपको यहां विद्यार्थी का नेम देखना है, उसके जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उस सब्जेक्ट में प्रथम परक में कितने नंबर आए हैं वो आप यहां क्लिक करके एंटर कर लेंगे। इस तरह आप वन बाय वन सभी विद्यार्थियों के नेम के सम्मुख जितने भी उनके प्रथम परक में अंक आए हैं वो यहां पर एंटर कर लेंगे। फिर आपको यहां ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव आल का, तो आप सेव आल पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव आल पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण आपसे पूछेगी आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट या सेव, तो आपको यहां ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपको यहां ग्रीन कलर में मैसेज शो कर दिया जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली। तो इस तरह साथियों आप जो प्रक्रिया मैंने आपको वीडियो में बताई है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपके सभी विद्यार्थियों के प्रथम परक के अंक आपको ऑनलाइन कर लेने हैं। इस तरह साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेते हुए आसानी से आपके विद्यार्थियों के प्रथम परक के अंक शाला दर्पण पर ऑनलाइन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी शिक्षक बंधुओं तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य शिक्षक बंधुओं का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार का तकनीकी सवाल पूछना है या वीडियो संबंधी सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।